guys, I'm Asiful Hawk and welcoming you all to another episode of Unveil the Veil. आज हम क्या अनवेल करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता की the famous, two famous mobile accessories and electronics market के बारे में. जी हाँ, चांदनी मार्केट और फैंसी मार्केट के बारे में. तो एक्चुअली मैं गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा अंकल्स का घर है, तो मैं लगभग बचपन से जब भी आ रहा हूँ तो वहाँ पर जाता रहता हूँ कुछ हर भी कुछ खरीदने के लिए. मुझे याद है पहली बार जब मैं गया था 2007, मेरे पास एक मोबाइल था, मोटरोला L7, एंड उसका जो फेशियल है वो किसी तरह से ख़राब हो गया था. तो एक्चुअली वो मोटरोला के जो सर्विस सेंटर्स है ना, वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन मेरा जो छोटा अंकल है, छोटा पापा है, वो मुझे लेकर गया था वहाँ पर फैंसी में, और वहाँ पर वो मिल गया, एकदम आसानी से मिल गया. तो ऐसा फैंसी है. फैंसी के बारे में जो बात किया जाता है, चांदनी के बारे में जो बात किया जाता है, उसको चोर बाजार बोलते हैं. एक्चुअली वो चोर बाजार नहीं है. चोर बाजार का मतलब क्या है? जहाँ पर चोरी का सामान बिकता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी चोरी का सामान नहीं बिकता. ये बात आप जो भी मेरा वीडियो है देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. अरे वहाँ पर भी जो आए हैं दुकानदार हैं, नॉर्मल से बिजनेस करने वाले हैं, लेकिन उसको बदनाम किया जा रहा है चोर बाजार. चोर बाजार का मतलब क्या होता है? एक्चुअली मेरा मोबाइल पिक पॉकेट हुआ, वो कहाँ मिलता है? ऐसा बाजार. लेकिन चांदनी में या फैंसी में कोई भी चोरी का माल नहीं बिकता है. वहाँ पर चीप कोरियन प्रोडक्ट्स मिलता है, इंडोनेशियन मेड प्रोडक्ट मिलता है, चाइना मेड प्रोडक्ट मिलता है, आपको क्लोन वगैरह फ़ोन ऐसा मिल जाएगा, डबल ए कॉपी वॉचेस मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा. लेकिन वो एकदम 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स है. ओरिजिनल नहीं, जेन्युइन माने कि जेन्युइन कॉपी प्रोडक्ट्स है, कोई चोरी किया गया हुआ सामान नहीं है. ठीक है, तो हर वक्त मैं बहुत सारे ब्लॉग देखा हूँ, यूट्यूब में ही है, हैशटैग चोर बाजार ऑफ कोलकाता. ये क्या बात हुआ यार? आप तो कलकत्ता के रहने वाले हो, कोलकाता के खुद ही बदनाम कर रहे हो. ऐसा चोर बाजार कुछ नहीं होता है. ठीक है, वहां पर आप बहुत ही चीप, अगर आप बार्गेन, हाँ एक बात और, आपको बार्गेन करना पड़ेगा. मेरा जो ट्राइपॉड है वहां पर लिया गया है, चांदी से लिया है, तो अगर आप जाइएगा, कोई प्रोडक्ट का दाम बोला आपको 300 रुपए, तो आप उसको बार्गेन करके थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं. लेकिन वहां पर कोई भी पिक पॉकेट वाला या चोरी वाला या डकैती वाला सामान नहीं मिलता है. सब जो मिलता है ओरिजिनल फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड माल होता है. ठीक है, हाँ कॉपी होता है या फिर चीप सस्ता वाला माल होता है. एक ही प्रोडक्ट का 2-3 वर्षन आता है वहाँ पर. ठीक है, खराब प्रोडक्ट मिलता है, ये नहीं बताऊंगा. मैं वहाँ से बहुत कुछ लिया है, स्क्रीन गार्ड लेता था मोबाइल का और एक्सेसरीज में हेडफोन लिया था, बैकग्राउंड कवर लिया था. ठीक है, शायद 1-2 दफ़ा वहाँ पर से और बहुत कुछ लिया है वहाँ पर, ठीक से याद नहीं. तो वहाँ पर एक बार कैमरा भी खरीदा था मेट्रो गली से, तो वो भी लगभग अभी तक ठीक से चल रहा है. वहाँ पर एक्सेसरीज जो मिलता है, आप जैसा गुड़ ढालोगे वैसा मीठा होगा. ठीक है, तो ऐसी ही बात है. वहाँ पर आप अगर सस्ते वाला माल खोजोगे तो सस्ते वाला माल पाओगे, वहाँ पर आप जेन्युइन प्रोडक्ट खोजोगे तो जेन्युइन प्रोडक्ट के लिए भी वहाँ पर शॉप्स है. ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं मिलता है. तो ये बात बहुत ही मुझे खराब लगता है कि वहाँ पर चोर बाजार ऑफ कोलकाता, फैंसी मार्केट को बोला जाता है, चांदनी मार्केट को बोला जाता है. एक्चुअली ऐसा नहीं है, वहाँ पर कोई भी चोरी का प्रोडक्ट नहीं बिकता है, कोई भी चोरी का प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं बिकता है. ठीक है, वहाँ पर सब कुछ जेन्युइन, बहुत सारे दुकान में अच्छा प्रोडक्ट मिलता है. फैंसी में जाइए ना, फैंसी में 2-3 महीने का यूज किया हुआ मोबाइल आपको बहुत ही किफायती दामों में मिलेगा. बहुत लोग करता है यार, अपना मोबाइल लिया, 3 महीने यूज किया, वहां पर गया एक दुकान को देके उससे दूसरा हायर एडिशन वाला फोन ले लिया. तो मैं भी करता हूँ, मैं भी 1-2 दफा करा वो ऐसा करके फोन एक्सचेंज किया है. तो वहां पर क्या, मेरा फोन जो मैंने उसको दिया, मेरा क्या चोरी का फोन था या कॉपी का फोन था? ओरिजिनल था मेरे पास. तो ऐसा बात नहीं है कि वहां पर चोरी का प्रोडक्ट मिलता है, वहां पर कोई भी दुकानदार चोरी का प्रोडक्ट नहीं बेचता. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कोलकाता को बदनाम मत कीजिए. हर एक यूट्यूबर से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कि खास के कोलकाता के रहने वाले हैं, कोलकाता को बदनाम मत कीजिए. इसको क्या किया जाता है? सिटी ऑफ जॉय, खुशियों की शहर किया जाता है यार. सो चलिए, अपनी मन मर्यादा जो है हम अपने से ही बांटते हैं ना. चलिए थम्स अप एंड प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल. ऐसे ही वेल अनवेल को वेल करने वाले, जो मैं जो बताऊंगा खुद जाके देखूंगा, उसके बाद सच परख करके बताऊंगा, कोई भी डुप्लीकेट या प्रोमोटेड वर्ड मैं नहीं बताऊंगा.
जो भी वीडियो है देख सकते हैं। एलर्जी का जो वीडियो है मेरे ऊपर, मैं वो दवा ले रहा हूँ इसलिए मैं रिव्यू दिया, वो कंपनी मुझको प्रोडक्ट नहीं मिला, इतना बड़ा यूट्यूबर मैं नहीं बन गया, ठीक है। तो चलिए, स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। हम कलकत्ता के रहने वाले हैं, यहाँ पर कोई भी चोरी का प्रोडक्ट नहीं मिलता है चांदनी और मैक्स में, ठीक है। चलिए, यहीं से बात सिर्फ।